पब्लिक टीवी आपकी आवाज। 30 जनवरी को अखिल भारतीय हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने अलीगढ़ में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर उनका पुतला बनाकर गोलियों से छन्नी किया गया था, जो कि उनका अपमान किया गया था। उसी से आहत होकर सोमवार को जिला कांग्रेस कमेटी मुरादाबाद के कार्यकर्ताओं ने पूजा सुकुन पांडे का पुतला बनाकर कलेक्ट्रेट से शव यात्रा निकालकर गांधी प्रतिमा के समक्ष गांधी पार्क में जाकर पुतला दहन किया और साथ ही सभी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कराने की मांग की। मीडिया से मुखातिब होते हुए जिला अध्यक्ष डॉक्टर एपी सिंह ने कहा, महात्मा गांधी ने देश के लिए बलिदान दिया था, लेकिन कुछ लोग उस बलिदान को भूल गए और इतना दुस्साहस कर उनका अपमान किया, जिसके विरोध में पुतला दहन कर अपना विरोध जताया और सरकार से मांग की है कि पूजा सुकुन पांडे को फांसी दी जाए। इस दौरान जिला अध्यक्ष डॉक्टर एपी सिंह, महानगर अध्यक्ष अनुभव मल्होत्रा, हाजी रिजवान कुरैशी, हाजी सैयद सगीर सहित भारी संख्या में कांग्रेसी मौजूद रहे। कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर 30 जनवरी को शहीद दिवस के अवसर पर जिस तरीके से भाजपा प्रायोजित लोगों ने महात्मा गांधी जी के पुतले पर गोली मार करके उनकी विचारधारा की हत्या करने का काम किया है, कांग्रेस पार्टी उसकी भर्त्सना एवं निंदा करती है। और महामहिम राष्ट्रपति महोदय से के दिल में यही सम्मान रह गया है कि उनकी जो है मृत्यु के बाद उनके पुतले पर गोली मार करके उन्हें उनकी विचारधारा की हत्या की जा रही है। मैं चाहता हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ बाकायदा FIR हो और उनकी अरेस्टिंग होनी चाहिए, ऐसी और देशद्रोह का मुकदमा उनके खिलाफ चलना चाहिए, ऐसी जिला कांग्रेस कमेटी और महानगर कांग्रेस कमेटी मांग करती है।